अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द होप 786। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन सो डैट यू कैन वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। जी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज जो हम लेक्चर करने जा रहे हैं वो MA इंग्लिश पार्ट वन का लेक्चर नंबर जो पेपर नंबर 5 है, अमेरिकन लिटरेचर, उसके अंदर एक ड्रामा है, अमेरिकन ड्रामा द क्रूसिबल, जिसको ऑर्थर मिलर ने लिखा है। आज हम जो है वो करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। आल दो हम जो है पार्ट वन और टू की सीरीज़ जो है वो इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के जो टैक्स आ जाते हैं कि सर पार्ट वन पे करें, कुछ कहते हैं पार्ट टू पे करें, तो मेरी कोशिश है कि एग्ज़ाम से पहले पहले ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें पार्ट वन टू के लेक्चर जो है वो हो जाएँ। ये स्टूडेंट्स, वक्त ज़ाया किए बगैर जो आज का हमारा लेक्चर है ऑर्थर मिलर का द क्रूसिबल, वो स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर फिर हम जो है एक कोटेशन है ऑर्थर मिलर की फेमस, उससे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। द एप्पल कैन नॉट बी स्टक बैक ऑन द ट्री ऑफ नॉलेज, वंस वी बिगिन टू सी वी आर डूम्ड एंड चैलेंज टू सीक द स्ट्रेंथ टू सी मोर नॉट लेस। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है द क्रूसिबल, इट हैज़ यू नो डिवाइडेड इंटू टू डिफरेंट पोर्शन, दो पोर्शन में इसको डिवाइड कर दिया। आज जो हम करेंगे, हम देखेंगे क्रूसिबल क्या है, इसकी टाइटल सिग्निफिकेंस, इसके की फैक्ट्स, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इसके करेक्टर्स। दूसरे लेक्चर्स में हम अर्थ के थीम सॉरी और तीसरे लेक्चर में दूसरे लेक्चर में हम देखेंगे स्टूडेंट्स के इसके जो समरी है, डिटेल समरी, वो देखेंगे। इसको दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर का जो है वो बाकायदा आगाज़ करते हैं ऑर्थर मिलर की जो बायोग्राफी है वहाँ से। ऑर्थर मिलर वॉज बॉर्न इन 17 अक्टूबर 1915 एंड ही वॉज अटेंडेड द यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन फ्राम 1934 to 1938। ही वॉज ग्रेजुएटेड विद अ डिग्री इन जर्नलिज्म एंड ही रॉट एंड प्रोड्यूस यू नो 5 प्लेस ड्यूरिंग कॉलेज कैरियर ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। मैरिड, ही हैड मैरिड यू नो 3 टाइम्स एज वेल। स्टूडेंट्स, ही वॉज वेल नाउन राइटर, ही वॉज रियली रिस्पेक्टेबल एंड स्टूडेंट्स स्पेशली एट द पीक ऑफ हिज कैरियर इमीडिएटली फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर टू अमेरिकन थिएटर वॉज ट्रांसफॉर्म्ड बाई हिज प्रोफाउंड एबिलिटी टू कैप्चर द हार्ट ऑफ द कॉमन मैन एंड मेक हिज ऑडियंसिस एम्फेथाइज विद हिज प्लाइट एज ही अटेम्प्ट्स टू फाइंड हिज वॉर इन एन ऑफन हार्श एंड अनसिम्पथेटिक वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, अमेरिकन लिटरेचर के जो ड्रामा का आगाज़ है वो 1920 से ऑनवर्ड हुआ। और स्टूडेंट्स, लेटर ऑन आर्थर मिलर वॉज डाइड इन 2005। ही रॉट यू नो वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, वन ऑफ हिज प्लेस यू नो फेमस प्लेस डेथ ऑफ अ सेल्समैन विच इज़ नाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें इसका अपनी जो सेमी ऑटोबायोग्राफी है वो मिलती है हमें। इसके जो अपने हालातों वाक़यात हैं स्टूडेंट्स ज़िंदगी के, वो बेहतर नहीं थे। ही बिलोंग्स टू यू नो लोअर मिडल क्लास। तो स्टूडेंट्स, इसके इसके साथ साथ हम अपना जो आगाज़ करते हैं क्रूसिबल का, की फैक्ट्स देखते हैं पहले कि इसका की फैक्ट्स कौन से हैं, क्या हैं। स्टूडेंट्स, जो फुल टाइटल है इसका द क्रूसिबल, क्रूसिबल क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका टाइटल सिग्निफिकेंस क्या है, अभी हम देखते हैं। इसको ऑर्थर मिलर ने लिखा है। इसका टाइप ऑफ वर्क स्टूडेंट्स प्ले है। इसका जेनरा जो है ट्रेजडी है, एलिगोरी है। इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है। इसका टाइम एंड प्लेस जो है वो अमेरिका में लिखी गई है, अर्ली 1950 में। डेट ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन 1953 थी और पब्लिशर इसका वाइकिंग प्रेस था। नैरेटर इसका स्टूडेंट जो है वो थर्ड पर्सन ओमनीप्रेजेंट है। और इसका जो क्लाइमेक्स है स्टूडेंट्स, वो जॉन प्रॉक्टर्स जो है वो टेल्स द सेलिम कोर्ट डेट ही कमिटेड एडल्ट्री विद एबिगेल विलियम। जो इसका प्रोटैगनिस्ट है जॉन प्रॉक्टर, उसकी बात हुई, और जो इसकी एंटेगोनिस्ट है एबिगेल विलियम, ये उसकी बात स्टूडेंट्स हुई है। स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ मैं इसका जो आगाज़ है हम करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, फिर इसकी टाइटल सिग्निफिकेंस देखेंगे। हम जो क्रोनोलॉजिकली इस तरह साथ साथ चलते जाते हैं, जो जो चीज़ हमारे पास पहले आती है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं। 1953, ही वॉज अ लेजेंडरी राइटर एंड ऑर्थर मिलर डिपिक्टेड अ स्टोरी बेस्ड ऑन एक्चुअल फैक्ट। स्टूडेंट्स, इसकी जो रियलिज्म के बिल्कुल करीब तरीन इसने ये स्टोरी द क्रूसिबल लिखी है। बेसिकली ये ऐसा हुआ था,
इसके स्टूडेंट्स जो एक्चुअल फैक्ट्स जो रियलिज्म पे बेस करती है ये स्टोरी द क्रूसिबल भी जो है स्टूडेंट्स 16th सेंचुरी की प्यूरिटन एज की एक स्टोरी है, वो हम टाइटल सिग्निफिकेंस के साथ बात करते हैं कि क्या है फैक्ट्स विच रिमेन हॉरिफाइंग इवन टू दिस डे डिस्पाइट बीइंग बेस्ड ऑन इवेंट्स विच टुक प्लेस ओवर 300 इयर्स अगो, 300 साल पहले स्टूडेंट्स ये लिखा गया। स्टूडेंट्स इट वॉज अ स्टोरी अबाउट यू नो अर्ली ईयर ऑफ 1692 एंड इन द स्मॉल विलेज मैसाचुसेट ऑफ सेलम। सेलम इज अ प्लेस विच इज सिचुएटेड इन आल्सो यू नो इन अमेरिका। अ कलेक्शन ऑफ गर्ल्स फेल इल, कुछ लड़कियाँ जो हैं बीमार हो जाती हैं, फॉलिंग विक्टिम टू हलूसिनेशन एंड सीजर्स, जो हलूसिनेशन का शिकार हो जाती हैं। इन एक्सट्रीमली रिलीजियस प्यूरिटन न्यू इंग्लैंड फ्राइटनिंग सरप्राइजिंग ऑकरेंसेस वर ऑफन एट्रीब्यूट टू द डेवल और इस कोहेरट्स। विच क्राफ्ट की बेसिकली स्टूडेंट्स ये जो कहानी है, विच क्राफ्ट इसका जो इम्पोर्टेंट थीम भी है स्टूडेंट्स, जिसकी हम बात अभी थोड़ी देर तक करते हैं स्टूडेंट्स, इसको जो है लॉर्ड मैकार्थी था 16th सेंचुरी प्यूरिटन एज में। सो उसमें ये जो उस वक्त जो विच क्राफ्ट जो है बहुत विच क्राफ्ट हंटिंग होती थी, तो मैकार्थीज़म क्या है इसको पहले देख लेते हैं। मैकार्थीज़म इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ पीरियड ऑफ इंटेंस सस्पिशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ड्यूरिंग द अर्ली 1950। इसको बड़ा सस्पिशियस जो है वो देखा जाता था एंड इट बिगेन यू नो व्हेन सेनेटर जोसेफ मैकार्थी अ यूएस सेनेटर फ्रॉम विस्कॉन क्लेम दैट कम्युनिस्ट हैड इनफिल्टर्ड द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। जो कम्युनिस्ट थे बेसिकली उसको जो ये फारिग कर रहे थे, जल्द अज जल्द उसको मिटा रहे थे, जो कम्युनिस्ट थे उनको ये पसंद नहीं करते थे। वो कहता कि स्पेशल हाउस कमेटी स्टूडेंट इसने बनाई थी मैकार्थी ने, जो स्पेशल हाउस कमेटी है उसे क्या कहते थे, ये कहता था कि अन अमेरिकन एक्टिविटीज़, दिस यू नो वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट, अन अमेरिकन एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही हैं, वाज फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट एलिगेशन ऑफ कम्युनिज्म, कि कम्युनिज्म जो है वो चल रहा है और जिसकी वजह से ये सारा मामला हो रहा है। ड्यूरिंग दिस पीरियड पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ बिकेम द सब्जेक्ट्स ऑफ अग्रेसिव विच हंट्स ऑफन बेस्ड ऑन इनकनक्लूसिव क्वेश्चनेबल एविडेंस, कि वो कहते थे कि एविडेंस लेके आएं, अगर आपके पास एविडेंस हैं तो ठीक है, अगर नहीं हैं तो आके जो है वो सामना करें। और स्टूडेंट्स इसके अंदर जो इनोसेंट पीपल थे उनको जो है कड़े एहतसाब में से गुजरना पड़ता था, क्रूसिबल का मतलब ही कड़ा एहतसाब है, और उनको अपनी जो बेगुनाही साबित करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता था और जो बहुत मुश्किल हो जाती थी उनके लिए। तो स्टूडेंट्स इसने जो स्टूडेंट्स लिखा है वो कैपिटलिस्ट के दौर में लिखते हैं। स्टूडेंट्स कैपिटलिस्ट क्या होता है, कैपिटलिज्म एक टर्म है जिसके अंदर जो कैपिटलिस्ट होते हैं और लोग होते हैं वो आपस में मिल बैठ कर कुछ डिसाइड कर लेते हैं। और कम्युनिज्म जो होता है स्टूडेंट्स या सोशलिज्म जो होता है उसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट आपको देती है स्टेट कंट्रोल होता है, वो आपके साथ जो करना चाहती है वो करती है। स्टूडेंट्स इसके बाद हम अपना जो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स के व्हाट इज़ क्रूसिबल, क्रूसिबल क्या है, हम अपने मेन जो है स्टोरी उसकी तरफ आते हैं। क्रूसिबल का जो टाइटल सिग्निफिकेंस है, टाइटल सिग्निफिकेंस के बाद फिर हम करेक्टर्स पे और थीम्स पे बात करेंगे। स्टूडेंट्स क्रूसिबल का मतलब बेसिकली कड़ा एहतसाब उर्दू में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेसल और मेल्टिंग पॉट है। अ टेस्ट ऑफ द मोस्ट डिसिसिव काइंड, अ सेवर ट्रायल, कि एक ट्रायल में से आपको गुजरना है स्टूडेंट्स, ये इसका स्टूडेंट्स हो गया जो सिग्निफिकेंस, टाइटल सिग्निफिकेंस। स्टूडेंट्स इसके जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास थीम्स उसकी बात करते हैं। स्टूडेंट्स में जो इम्पोर्टेंट थीम है वो डेथ का थीम है, ह्यूमन क्रुएल्टी है इन द नेम ऑफ राइटसनेस, जो है राइटसनेस की बेस पर ह्यूमन क्रुएल्टी जो इसका जिक्र किया गया कि कितना जुल्म सितम किया गया। इंडिविजुअल वर्सेस कम्युनिटी है वर्सेस सोसाइटी है, कि इंडिविजुअल का सोसाइटी के साथ क्या लेना देना है। जस्टिस वर्सेस रिट्रीब्यूशन एंड रिवेंज है, रिवेंज की बात हो रही है, जस्टिस की बात हो रही है। और स्टूडेंट्स इग्नोरेंस वर्सेस विजडम है, जाहलियत और अकल के दरमियान। द प्यूरिटन मिथ है कि प्यूरिटन एज में ऐसा क्या हुआ। और ऑर्डर है वर्सेस इंडिविजुअल फ्रीडम। और स्टूडेंट्स इसके बाद सिन एंड गिल्ट है, और स्टूडेंट इंटेग्रिटी का थीम है इसके अंदर, बड़ा डोमिनेंट कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट थीम है इसके अंदर। अब स्टूडेंट्स अपना जो लेक्चर है उसको हम मूव करेंगे बगैर वक्त ज़ाया किए, हम
अपने करेक्टर्स की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। और करेक्टर्स जो हमारे पास स्टूडेंट्स सबसे पहले है वो हम डिस्कस करेंगे जॉन प्रॉक्टर को। सबसे पहले स्टूडेंट डिस्कस करेंगे जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले का। जॉन प्रॉक्टर जो है वो लोकल फार्मर है स्टूडेंट्स, एंड हु लिव जस्ट आउटसाइड द टाउन। एंड वो एलिजाबेथ प्रॉक्टर जो हमारे पास दूसरा करेक्टर है उसका हस्बैंड है। एंड इसका कसूर स्टूडेंट्स सिर्फ ये था, इसकी पहले पॉजिटिव पॉइंट की बात करते हैं। इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है स्टूडेंट्स कि ही हेट्स हिपोक्रेसी, ये मुनाफ़त से नफरत करता है। और इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि ही हैज़ अ हिडन सिन, ही इज़ अफेयर विद एबिगेल विलियम, जो हमारी एंटेगोनिस्ट है एबिगेल विलियम, एंड डैट प्रूव्स हिज यू नो डाउनफॉल। इसकी वजह से इसका जो डाउनफॉल स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स जॉन प्रॉक्टर के बाद हम बात करेंगे एलिजाबेथ प्रॉक्टर की, जो इसकी वाइफ है। और एलिजाबेथ जो होती है वो फायर्ड एबिगेल को नौकरी से निकाल देती है व्हेन शी डिस्कवर्ड दैट हर हस्बैंड वाज हैविंग एन अफेयर विद एबिगेल, कि उसका इसके साथ अफेयर है। और वो एलिजाबेथ जो होती है सुप्रीमली वर्चुअस बट ऑफन कोल्ड, कभी कभी उसके साथ कोल्ड हो जाती है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम एबिगेल विलियम का जिक्र करते हैं, जो हम एंटेगोनिस्ट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर इन दिस प्ले एज वेल। रेवरेंड पेरिस जो है वो निसी है स्टूडेंट्स, रेवरेंड पेरिस की एबिगेल विलियम। और बेटी जो स्टोरी के आगाज़ में 10 ईयर ओल्ड जो बच्ची होती है उसको वो जो है हेलुसिनेशन का शिकार हो जाती है, उसका ये बाप है स्टूडेंट्स। एबिगेल जो है वंस सर्वेंट्स फॉर द प्रॉक्टर हाउस होल्ड, उनके घर में मुलाजमा होती है। एलिजाबेथ इसको फायर कर देती है। और व्हेन शी डिस्कवर्ड दैट एबिगेल वाज हैविंग यू नो अफेयर विद हर हस्बैंड जॉन प्रॉक्टर, एंड शी इज़ वेरी स्मार्ट विली अ गुड लायर विंडिक्टिव एंड क्रॉस, बहुत अच्छे से झूठ बोलती है और अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड करती है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास जो करेक्टर है वो हम देखते हैं स्टूडेंट्स, बेटी पेरिस है, जो शी इज़ 10 ईयर्स ओल्ड, 10 साल की बच्ची होती है। और वो हेलुसिनेशन का शिकार हो जाती है, ये गर्ल्स के साथ जो है वो रात के वक्त वहाँ पे फॉरेस्ट में जाती है और वहाँ पे हेलुसिनेशन का, जब ये मैजिक कर रहे होते हैं हेलुसिनेशन का शिकार हो जाते हैं। रेवरेंड पेरिस है स्टूडेंट्स, ही वॉज इन हिज मिड 40 ईयर्स ओल्ड है और विडोअर है। इसके चिल्ड्रन जो हैं, ही वॉज यू नो नॉट अ बैड फादर, जस्ट अंडरस्टैंड चिल्ड्रन। और स्टूडेंट्स ही वॉज ऑलवेज कंसर्न विद वट अदर्स थिंक ऑफ हिम, कि इसको ये कंसर्न होता है कि मेरे बारे में सब क्या सोचते हैं। पावर हंग्री है, पावर का भूखा होता है और डिसलाइक करता है पैरिशनर्स को, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम जो हमारे पास करेक्टर है वह जी स्टूडेंट्स जज हथॉर्न का और डेनफोर्थ का, डिप्टी गवर्नर है डेनफोर्थ, उसकी बड़ी इज्जत एहतराम है कोर्ट के अंदर, ट्रू प्यूरिटन है। एंड ही बिलीव्स यू नो ही इज़ डूइंग व्हाट इज़ राइट अकॉर्डिंग टू गॉड, प्यूरिटन यही सोचते थे कि जो खुदा के मुताबिक उनके गॉड के मुताबिक ठीक है वो वही कर रहे हैं। जज हथॉर्न है प्रिजाइड्स ओवर द विच ट्रायल्स, ये उसके साथ जज हथॉर्न के साथ जो है विच ट्रायल का जो ट्रायल चल रहा होता है उसको प्रिजाइड करता है। जजमेंट्स जो है क्विक टू जजमेंट देता है, पार्शियल एंड अनफेयर है, अनफेयर और पार्शियल है स्टूडेंट्स। के बाद हमारे पास रेवरेंड जॉन हेल है, यंग मिनिस्टर है एंड इसकी बड़ी जो रिप्यूटेड है टू बी एन एक्सपर्ट ऑन विच क्राफ्ट, मैजिक जो है बहुत ज़बरदस्त करता है, बहुत एक्सपर्ट है इसके अंदर। रेवरेंड हेल इज़ कॉल्ड इन सैलिन टू एग्जामिन पेरिस डॉटर्स बेटी, उसको बुलाया जाता है बेटी को एग्जामिन करने के लिए। और उसका जो क्रिटिकल माइंड होता है और उसकी इंटेलिजेंस होती है वो सेव हिम फ्रॉम फॉलिंग इन टू ब्लाइंड फेवर, कि वो जो है वो इस तरफ को नहीं जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो करेक्टर है रबीका नर्स है स्टूडेंट्स, जो फ्रांसिस नर्स फ्रांसिस की वाइफ है। रबीका इज़ वेरी वाइज सेंसिबल एंड अपराइट वुमेन है और जो है वो सैलम कम्युनिटी में इसका बड़ा रिगार्ड है रहती है। शी फॉल्स विक्टिम टू द हिस्टीरिया व्हेन शी पोतनाम अक्यूज हर ऑफ विचक्राफ्ट एंड शी रिफ्यूज टू कन्फेस, पोतनाम एक करेक्टर है एंड पोतनाम वो भी डिस्कस करते हैं उसको भी, ये उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि ये भी उसके साथ विक्टिम थी, एक्यूज़ करता है तो ये जिसको खुद को कन्फेस करती। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो करेक्टर है फ्रांसिस नर्स का, अ वेल्दी इन्फ्लुएंशियल मैन इन सैलम है
नर्स इज वेल रिस्पेक्टेड बाई मोस्ट पीपल इन सैलम बट इज़ एन एनिमी ऑफ थॉमस पोथनम एंड हिज वाइफ, उन दोनों का जो ये उनको दुश्मन समझता है। अब थॉमस पोथनम को जिक्र करते हैं। पोथनम ही वॉज अ वेल्दी लैंड ओनर, ग्रीडी एंड नॉइजी है, दूसरों को कहता है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स वेरी इंटरेस्टिंग करेक्टर हैं कि यहाँ पे ब्लैक मैजिक है, यहाँ पे जादू हो गया है, विच क्राफ्ट रहती हैं, ये जगह आप सेल कर दें, वो कम पैसों में वो जगह जो है वो ख़रीद लेता है दूसरों को डरा कर। और एंड पोथनम है हॉन्टेड है एंड ट्विस्टेड सोल है ड्यू टू टॉसिंग 7 चिल्ड्रन इन्फेंसी, इसलिए कि इसके जो 7 बच्चे थे, बेटे बच्चे थे, वो इन्फेंसी में ही उनकी डेथ हो जाती है। ब्लेम्स अदर्स फॉर आर मिसफॉर्चून, और दूसरों को हर वक्त जो है वो ब्लेम करती रहती है कि जो है ना आप ज़िम्मेदार हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स मैरी वायरन है, डेट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर, ये भी जॉन प्रॉक्टर और एलिजाबेथ प्रॉक्टर के घर में एक मुलाजमा होती है, जस्ट लाइक एबिगेल टीनेज गर्ल होती है, वो वर्क्स एज अ सर्वेंट जॉन प्रॉक्टर फार्म हाउस एज आई टोल्ड यू बिफोर। और यू नो एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले शी अलॉन्ग विद एबिगेल बेटी एंड द अदर गर्ल्स वॉज डिस्कवर्ड डांसिंग इन द वुड्स इन सैलम, सैलम ये डांस कर रहे होते हैं वहाँ पे वुड क्राफ्ट में। शी वॉज ऑल्सो यू नो बिकम अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स डेट अक्यूज वेरियस सैलम टाउन्स पीपल ऑफ विच क्राफ्ट। प्रॉक्टर जो है उसको ट्राइज टू यूज इज इन्फ्लुएंस ऑन मैरी टू गेट हर टू एडमिट डैट दीज एक्विजिशन ऑफ विच क्राफ्ट आर फॉल्स, उसको कहते हैं कि तुम बताना कि फॉल्स हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। इसके बाद स्टूडेंट्स सारा गुड है, सिंपल बैगर वुमेन है, एक्यूज़ करती है एबिगेल पे और उसके फ्रेंड पे बीइंग अ विच, और शी इज़ एन ईजी टारगेट बिकॉज शी इज़ ऑन वन ऑफ द बॉटम रंग्स ऑफ सोसाइटी, क्योंकि आम सी औरत है इसलिए इसको जल्द से कैप्चर कर लिया जाता है। गाइल्स कोरे है स्टूडेंट्स इनिशियली अ कॉमिक करेक्टर होता है, प्रॉक्टर डील्स विद हिज आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर इज़ अ गुड हार्टेड वे अनविटिंगली implicates a wife of in witchcraft and is arrested after refusing to name and inform it or eventually tortured in effort to extract a confession. Confession करने के बाद उसको torture किया जाता है। Tatuba students है Barbosa की, एक lady है, servant है Paris, Reverend Paris के घर में, और she is native of Barbados as I have told you. She is enlisted by Ruth Putnam and Abigail टू कास्ट स्पेल्स एंड क्रिएट चार्म्स क्रिएट करने के लिए। व्हेन एबिगेल टर्न्स ऑन हर टू सेव हरसेल्फ फ्रॉम पनिशमेंट टिटुबा कन्फेसेस टू ऑल एंड सेव्स हरसेल्फ, और कन्फेस कर देती है और ख़ुद को बचा लेती है स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास रेवरेंड सैमुअल पेरिस है, रिलीजियस मैन है, हु इज़ वेरी ग्रीडी एंड सेल्फिश, वरीज ऑलवेज वरीज अबाउट हिज यू नो लाइफ एंड रेपुटेशन। स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट यू नो हमने बात की की फैक्ट्स की, हमने टाइटल सिग्निफिकेंस की, क्रूसिबल की बात की, हमने स्टूडेंट्स इसके बाद जो इसके इंपॉर्टेंट थीम्स हैं उसकी बात की, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात की, हमने सारे करेक्टर्स को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स इट इज़ ऑल अबाउट यू नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द क्रूसिबल एज वेल एंड आर्थर मिलर। और स्टूडेंट्स हम इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो हम ऑब्वियसली डिटेल जो समरी है उसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड कर सकें, इसको दो लेक्चर पे इसलिए मैंने डिवाइड किया। सो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, किसी ने कोई भी क्वेश्चन करना है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।